हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ही झटपट बनने वाली अचार की रेसिपी। वैसे तो अचार हर इंडियन घरों में बनाई जाती है और हर घर की अचार की एक यूनिक रेसिपी होती है, बट आई एम श्योर आपने ये वाली गाजर की अचार की रेसिपी को कभी नहीं ट्राई किया होगा। इसे आप रोटी, पराठे, राइस या फिर रोल्स वगैरह के अंदर भी स्टफ कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग लगता है। तो चलिए हम आज की मजेदार गाजर के अचार की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गाजर के अचार बनाने के लिए मैंने 2 गाजर को अच्छे से वॉश करके इसे छील लिया और फिर इसे ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच ग्रेटेड या फिर क्रश्ड गार्लिक। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे हम ग्रेटेड जिंजर, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून या उससे थोड़ा सा कम डालेंगे हम हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर या फिर आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, 1 टेबल स्पून डालेंगे हम नींबू का रस और अब लास्ट में डालेंगे हम 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तेल को यहाँ पे हमें गरम करके डालने की जरूरत नहीं है, इसे हम ऐसे ही डालेंगे। बस अब सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस अचार में मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाला है वो सभी हमारे घरों में इजीली अवेलेबल होता है, तो आप इसे कभी भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको भी ये काफी पसंद आएगा। इसे आप जिस दिन बना रहे हो उसी दिन भी खा सकते हो, बट इसका बेटर टेस्ट अगले दिन ही आता है। बस 1 दिन के लिए इसे हम बाहर रखेंगे, फिर इसे हम रेफ्रिजरेटर में रखकर लगभग 1 वीक तक यूज कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।